असलम क्राफ्टिंग इंटरस में शामदीद आज आपके लिए वी नेक रेगलान कार्डिगन टॉप टू टौ डाउन लेकर आई हूँ दो से तीन साल के बच्चे के लिए इससे पहले मैं ये वाला वी नेक कार्डिगन का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ये थ्री टू सिक्स मंथ के बेबी के लिए मैंने बनाया था तो मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स की मुझे रिक्वेस्ट आई कि आप बड़े साइज में भी इसको बनाएं तो बहुत ज़्यादा जो रिक्वेस्ट थी वो दो से चार साल के बच्चे के लिए थी तो ये देखिए मैंने इसको रेगलान में बनाया है टॉप से बनना शुरू होता है सबसे पहले ये बट नेक की पट्टी बनाई है उसके बाद यहाँ से फंदे पिक करके और उसके बाद रेगलान इंक्रीज किया है उसके बाद ये साथ ही साथ वी नेक को भी यहाँ से इंक्रीज़ किया है तो इस तरह से ये मैंने बनाया है इसको आप छोटे और बड़े साइज में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे देखें अगर आपने एक साल के बच्चे के लिए बनाना हो तो आप यहाँ पर चार जो है रेगुलर इंक्रीज हैं या दो रेगुलर इंक्रीज जो हैं वो कम कर लीजिए तो ये एक साल के बच्चे के लिए बन जाएगा अगर आप चार से पाँच साल के बच्चे के लिए बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर दो रेगुलर इंक्रीज ज़्यादा कर दीजिए ये जो है चार से पाँच साल के बच्चे के लिए बन जाएगा और अगर आप इससे बड़े पाँच से छः साल के बच्चे के लिए बनाना चाह रहे हैं तो जहाँ पर मैंने ये नेक बैंड बनाया था यहाँ पर आप मैंने चौदह रिजेस इस तरफ और चौदह रिजेस इस तरफ बनाई थी आप जो है यहाँ पर सोलह सोलह रिजेस बना लीजिए जिसकी वजह से आपके चार फंदे एक्स्ट्रा हो जाएंगे यहाँ नेक के ऊपर तो उन चार फंदों की डिवीजन किस तरह से करेंगे चार फंदे आप यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लीजिएगा ऐड कर लीजिएगा और एक एक फंदा चार फंदों में से एक एक फंदा स्लीव की साइड पे जो है ऐड कर लीजिएगा तो इस तरह से ये बड़े साइज में भी कन्वर्ट हो जाएगा तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं कार्डिगन को बनाने के लिए मैंने ली है बेली की डबल नेट वूल डबल शेड में और सर्कुलर नीडल ली है फोर एम एम की तो सबसे पहले हम नेक का बैंड बनाएंगे उसके लिए मैं यहाँ पर आठ स्टिचेस आठ फंदे कास्ट ऑन कर लूँगी थोड़े लूज हम इसको जो है कास्ट ऑन करेंगे दो तो, तीन चार पाँच छ सात और आठ आठ स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद अब देखिए हमने इसको सीधा सीधा बुनना है पहला बंदा स्लिप करेंगे धागा पीछे ले जाएंगे छः बंदे सीधे बुनेंगे और किनारे का ये लास्ट वाला बंदा उल्टा बुनेंगे सेकेंड रो है पहला फंदा स्लिप करेंगे और छह फंदे सीधे बुन लेंगे और लास्ट वाला किनारे का फंदा उल्टा बुन लेंगे थर्ड रो पहला फंदा स्लिप छह फंदे सीधे और लास्ट का फंदा उल्टा तो इसी तरह बुनते हुए देखिए यहां पर हमारी दो रिज़िस बन गई हैं इसी तरह बुनते हुए मैं बारह रिज़िस और बनाऊंगी यानी टोटल यहां पर चौदह रिज़िस जब बन जाएंगी तो फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आगे हमने कैसे बुनना है देखिए व्यवर्स मैंने फोर्टीन रिज़ेस बना दी हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह अब मैं एक और रो बुनूंगी यहाँ पर और अपना थ्रेड यहाँ पे ला कट कर दूँगी पहला बंदा स्लिप करके पूरी रो को सीधा बुन लेंगे क्योंकि ये साइड जो है ये हमारी यहाँ से हमने फंदे पिक करने हैं तो मैं बजाय इसके कि इसको किनारे की साइड पे यहाँ पर, पर रखूँ इसको मैं लाकर कर यहाँ पर ऐसे काट लूँगी थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के क्योंकि बाद में हमें इसको टक करना है अब इन इसको मैं जो है किसी स्टिच मार्कर पर ऐसे स्टिच होल्डर पर उतार लूँगी सॉरी मैं इसको ऐसे स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दूंगी। अब देखिए जिस साइड से हमारी ये टेल है उसी साइड से हमने दोबारा यहाँ से फंदे पिक करने हैं ये तभी हमारी दोनों साइड से इक्वल जो है वो आ, नेक बैंड बनेगा तो सबसे पहले हमें हम इस टेल को ज़रा सा जब खींचेंगे तो हमें खुद बहुत ही नज़र आ जाएगा कि हमने ये वाली बार को पहले पिक करना है तो थोड़ी सी टेल छोड़ के मैं इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा आ, करीब ले आती हूँ ताको ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि कहाँ से हमने ये देखें इसको मैंने ज़रा से खींचा तो ये यहाँ से एक बार हमें नज़र आई यहाँ पे ऐसे नीडल डालकर यहाँ से एक फंदा पिक कर लेंगे अब देखिए ये अगली बार हमें दिखाई दे रही है इसमें इस तरह से नीडल डालेंगे और एक फंदा पिक कर लेंगे उससे अगली बार में नीडल डालेंगे फंदा पिक कर लेंगे तो मैं आठ फंदे पिक करूँगी इस साइड के भी ये जो हमारा जहाँ से मैं फंदे पिक कर रही हूँ ये जगह हमारे नेक बैंड के बिल्कुल मिडल में आएगी तो इसलिए हमें दोनों साइड से इक्वल बनाने के लिए यहाँ मिडल से फंदे इस यहाँ से पिक करने हैं दो चार छः सात अभी एक फंदा हमने और पिक करना है इस फंदे को हम किस तरह से पिक करेंगे अगर मैं यहाँ से ही बार में ऐसे डाल के कर लूँगी तो वो यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा तो मैं इसको इक्वल रखने के लिए कि यहाँ से उठा हुआ ना हो इस पूरी ये देखें ये जो चेन हमें दिखाई दे रही है इसमें ये दो लाइंस हैं दो बार्स हैं इन दोनों बार्स में इस तरह से नीडल इंसर्ट करके एक फंदा ऐसे पिक कर लूँगी तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इधर आठ फंदों से सीधा सीधा बुनते हुए चौदह रेजिज बनाई थी इसी तरह मैं यहाँ पर दूसरी साइड के लिए भी चौदह रेजिस बना लूंगी पहला फंदा स्लिप करेंगे धागा पीछे ले जाएंगे और छ फंदे सीधे बुनेंगे लास्ट वाला फंदा उल्टा बन लेगा और इसी तरह से जिस तरह हमने चौदह बनाई हैं उसी तरह मैं चौदह रिजिस बनाऊँगी पहला फंदा स्लिप करके छह फंदे सीधे और लास्ट का फंदा उल्टा तो इसी तरह मैं फोर्टीन रिजिज़ बनाकर दोबारा आपको बताती हूँ कि आगे हमने किस तरह से करना है तो देखिए व्यूअर्स ये हमारी निटिंग की राइट साइड है और ये निटिंग की रॉन्ग साइड है तो आपने बहुत ही ध्यान रखना है हमने इस साइड से फंदे पिक करने हैं और हमारा थ्रेड इस तरफ है जो हमने जहाँ जिस साइड से फंदे पिक करने हैं उस साइड पे हमारी ये टेल्स हैं और जिस साइड पे जो गर्दन के साथ ये एज आएगा ये स्मूथ एज है यहाँ पर कोई भी धागा नहीं है तो हमने फंदे किस तरह से पिक करने हैं देखिए हमने उल्टा बुनते हुए फंदे पिक करने हैं तो ये पहला आ, हमें ये जो दिखाई दे रहा है फंदा हम जहाँ से पिक करेंगे ये चेन्स हमें दिखाई दे रही हैं इन चेन में इस तरह से हम नीडल डालेंगे ये पहले में से तो ये फंदा निकला हुआ है इसमें हम आ, जो है वो नीडल नहीं डालेंगे इसमें इससे अगले वाली चेन में ऐसे नीडल डालेंगे और एक फंदा पिक कर लेंगे तो हमने टोटल यहाँ पर ट्वेंटी एट फंदे पिक करने हैं एक हमारा हो गया दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह तो यहाँ से हमने इस साइड से फोर्टीन फंदे पिक कर लिए अब देखिए हमने दूसरी साइड से और ये हमारा बिल्कुल मिडल वाला पॉइंट है अब दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से फंदे पिक करने हैं उल्टा बुनते हुए ही फोरटीन फंदे हमने एक साइड से पिक किए हैं तो फोर्टीन ही हम दूसरी साइड से पिक करेंगे तो टोटल हम ट्वेंटी एट फंदे पिक करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह इस साइड से भी हमने फोर्टीन फंदे पिक कर लिए अब मैं ये ये जो स्टिच होल्डर पर मैंने फंदे शिफ्ट किए थे इसको भी नीडल पर उतार लूँगी अब देखें ये एटीन स्टिचेस जो स्टिच होल्डर पे थे मैंने इसको नीडल पर शिफ्ट कर लिया है अब इन फंदों को धागा पीछे की तरफ ले जाएंगे और सीधा बुन लेंगे और लास्ट वाला फंदा उल्टा पड़ लेंगे आप देखिए हमने यहां पर फंदों को डिवाइड करना है रेगुलर इंक्रीज के लिए तो इसको किस तरह से करना है मैं आपको उसका ग्राफ बना के दिखाती हूं तो देखिए व्यूअर्स हमने यहां पर एट स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे और चौदह रिजेस बना ली और इस तरफ भी हमने चौदह रिजेस बना ली अब हमारा धागा इस तरफ था और यहाँ से फंदे पिक करते हुए हम इस तरफ आए हैं अट्ठारह ट्वेंटी एट फंदे पिक किए हैं टोटल हमने आठ फंदे इधर से भी बुन लिए और अब हम दोबारा यहाँ पर बुनते हुए आए हैं आएंगे और उसके बाद जो है हम उसको रगलान के लिए डिवाइड करेंगे तो किस तरह से हमने करना है देखें हमारा कुछ ये इस तरह से होगा ये हमारा नेक बैंड है आठ पंदों का और ट्वेंटी एट में से चौदह स्टिचेस रखूंगी मैं बैक के लिए और द, पांच, पांच स्टिचेस रखूंगी एक साइड की स्लीव के लिए पांच एक साइड की स्लीव के लिए और एक एक जो है वो रेगलान इनक्रीज़ के लिए यहाँ पे रखूँगी तो यहाँ पर हमारे नेक बैंड के साथ जो है फंदे इनक्रीज़ होंगे तो वो वी नेक के फंदे होंगे और इस साइड पे भी दोनों साइड पे फंदे इनक्रीज़ होंगे तो वो हमारे फ्रंट साइड के फंदे जो नेक बैंड के साथ और रेगुलर इंक्रीज़ के साथ इनक्रीज़ होंगे तो वो हमारे फ्रंट साइड के फंदे होंगे अभी मैं फ्रंट साइड के लिए कोई भी फंदे नहीं रख रही तो इसी के अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पर स्टिच मार्कर लगा लेती हूँ तो देखिए व्यूअर्स हमारा रेगुलर इंक्रीज कुछ इस तरह से डिवाइड होगा फोर्टीन फंदे रखे हैं मैंने बैक के दोनों स्लीव के मैंने पाँच पाँच फंदे रखे हैं और रेगुलर इंक्रीज़ के लिए एक एक फंदा रखा है चार चारों तरफ तो और आठ फंदे इस तरफ और आठ फंदे इस तरफ जो नेक बैंड था उसी के कंटिन्यू होंगे और वही फिर जो है बटन बैंड बन जाएगा तो आप देखिए हमने इसी के अकॉर्डिंग जो है वो स्टिच मार्कर लगाने हैं तो सबसे पहले ये आठ फंदे नेक बैंड जो अब बटन बैंड बन गया है दो चार छः आठ और ये वाला फंदा जो है जिसके दोनों साइड पे इंक्रीज़ होगा वो ये है एक फंदा रेखला इंक्रीज का पांच फंदे स्लीव के दो चार पाँच और ये वाला फंदा यहाँ पर भी एक ऐसे स्टिच मार्कर हम लगा लेंगे फोर्टीन फंदे बैग के दो चार छः आठ दस बारह चौदह और ये वाला एक रेगुलर इंक्रीज वाला फंदा और यहाँ पर भी मैं एक स्टिच मार्कर ऐसे लगा लूँगी पांच फंदे ये स्लीव के दो चार पाँच और ये रेगुलर इंक्रीज वाला फंदा यहाँ पर भी एक स्टिच मार्कर ऐसे लगा लेंगे पीछे हमारे पास दो तो, चार छः आठ आठ फंदे ये हमारे रह गए हैं जो पहले नेक बैंड था और अब बटन बैंड बन जाएगा अब देखिए हमने इसको किस तरह से निट करना है तो सबसे पहले हम पहला फंदा स्लिप करेंगे बटन बैंड का और उसके बाद मार्कर तक सारे फंदे बुन लेंगे जो टोटल आठ फंदे हैं दो चार छ आठ आप देखिए ये हमारा रेगुलर इंक्रीज वाला फंदा है इसके दोनों साइड पे हम एक एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे तो इस तरह उंगली पे लपेटते हुए मैं एक फंदा इंक्रीज़ करूँगी एक फंदा रेगलान वाला सीधा बुनेंगे उसके दूसरी साइड पे ये फंदा एक इंक्रीज़ करेंगे पांच फंदे स्लीव के सीधे बुन लेंगे एक दो तो, तीन चार पाँच पाँच फंदे स्लीव के बुन लिए। अब देखिए यहाँ पर एक फंदा इस तरफ रेगलान के और एक फंदा इस तरफ दोनों साइड पे इंक्रीज़ होगा तो ये देखिए ये स्टिच मार्कर लगा हुआ है यहाँ एक फंदा ऐसे उंगली पे लपेटते हुए इंक्रीज कर लेंगे रेगलान वाला फंदा सीधा बुनेंगे एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे और फोटीन फंदे बैक के सीधे बुन लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह फोर्टीन फंदे बोल लीए आप देखिए ये फिर से हमारा रेगुलर इंक्रीज़ वाला फंदा है इसके दोनों साइड पे एक एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे एक फंदा इंक्रीज किया रेड वाले फंदे को सीधा बुना और एक फंदा दूसरी साइड पे भी इंक्रीज कर लिया। अब देखिए ये जो स्लीव के फंदे हैं यहाँ पर हमने इसको आ, क्या करना है तीन फंदे इसमें से बुनने हैं और दो फंदे नहीं बुनने अभी इसी तरह तीन फंदे यहाँ पर बुनेंगे और दो फंदे, फंदे नहीं बुनेंगे और इधर से ही मैं अपने आ, जो है इसको शॉर्ट रो करते हुए पीछे की तरफ वापस ले जाऊंगी तो देखिए इंक्रीज कर लिया हमने अब तीन फंदे ये वाले हमने बुनने हैं एक दो तीन और यहीं से शॉर्ट रो करते हुए मैं यहाँ से नीडल को पलट लूँगी लेकिन उससे पहले हमारा गैप ना आए मैं धागा अपनी तरफ लाऊंगी फंदा स्लिप करूँगी धागा पीछे ले जाऊँगी वापस फंदा स्लिप कर लूँगी और यहाँ से ही नीडल को इस तरह से पलट लेंगे आप देखिए पूरी रो को आ, मैंने उल्टा बुन लेना है रेगलान के फंदे बुनते हुए और तीन फंदे स्लीव के सिर्फ तीन फंदे इस बार मैं उल्टी साइड से बुनूंगी स्लीव के तो देखिए मैं ये तमाम फंदे उल्टे बुन लूँगी स्लीव के तीन फंदे बुलूँगी ये देखिए ये रेगुलर इंक्रीज वाला फंदा है इसको भी उल्टा बुलूँगी दरमियान वाला फंदा भी उल्टा बुलूँगी और ये भी रेगुलर इनक्रीज़ का फंदा उल्टा बुलूँगी अब देखिए हमने यहाँ पर सिर्फ तीन फंदे बुनने हैं दो फंदे जो हैं मैं छोड़ दूँगी यहाँ पर शॉर्ट रो करते हुए यहीं से फिर अपने डिंग के अपने वर्क को पलट लूँगी तो एक दो तीन तीन फंदे बुने धागा पीछे ले जाऊंगी, फंदा स्लिप करूंगी, गैप ना बने इसलिए धागे को इस तरह से ऐसे वापस अपनी तरफ लाऊंगी, वापस उस फंदे को आ, स्लिप कर दूंगी उस दूसरी तरफ आप देखिए अब तीन फंदे जो हमने ये बुने थे यहीं से मैं वापस नीडल को पलटूंगी यहाँ पर फंदा इंक्रीज़ होगा दोनों तरफ यहाँ पर ऐसे इधर आएंगे यहाँ पर भी फंदा इंक्रीज़ होगा यहाँ पर भी फंदा इंक्रीज होगा रेगलान के दोनों तरफ और अब की बार मैं ये दो फंदे जो हैं इनको भी स्लीव के जो दो फंदे रह गए थे इसको भी बुन लूँगी तो देखिए एक दो तीन तीन फंदे ये जो हमारे स्लीव के थे और एक फंदा हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किया था उसको भी बुन लेंगे और अब मैं यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ करूँगी ये हमारा रेगुलर वाला फंदा है इसकी इसके दोनों साइड पे हमें फंदा इनक्रीज़ करना है इसको सीधा बुन लिया यहाँ पर एक फंदा फिर से इनक्रीज़ कर लिया अब ये पूरे फंदे यहाँ तक मैं स्टिच मार्कर तक बुन लूँगी तो ये हमारे सिक्सटीन फंदे हो गए हैं आ, क्योंकि पिछली बार हमने एक एक फंदा इंक्रीज़ किया था यहाँ पर तो मैं इनको सीधा बुन लूँगी अब देखिए ये रैगलान वाला है इसके दोनों साइड पे एक एक फंदा इंक्रीज करना है मुझे ये देखिए ये रैगलान वाला फंदा है इसके दोनों साइड पे एक एक, एक फंदा इंक्रीज करूँगी ये इंक्रीज हो गया अब मैं ये तीन फंदे बुनूंगी और उसके बाद ये दो फंदे ये भी बुन लूँगी तो देखें अब देखिए ये जो हमारा रेगलान वाला फंदा है इससे पहले दो फंदे हैं ये देखें रेगलान वाला फंदा और उससे पहले दो फंदे अब मैंने इनको भी बुनना है इस रो में तो ये जो बार हमने इसको अवॉइड करने के लिए कि यहाँ होल होल्सा ना बने इसको मैं ऊपर रखूँगी और इस फंदे को इसके साथ इस तरह से इस बार के साथ इसको ऐसे बुन दूँगी तो हमारा यहाँ पर गैप ही नहीं आएगा और देखें हमें पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पर हमने शॉर्ट रो की थी और ये दूसरा पंदा भी बुनूंगी अब देखिए गैप को अवॉइड करने के लिए उसी तरह से करेंगे धागा अपनी तरफ लाएंगे रेगलन वाला ये वाला जो पंदा है इसको स्लिप करेंगे हम बुन नहीं रहे इसको यहाँ पे स्लिप करके धागा पीछे ले जाएंगे वापस इसको इस नीडल पे ले आएंगे और यहीं से मैं अपने नीडल्स को पलट लूँगी अभी हमने ये इस साइड पे बुनने शुरू नहीं किए यहीं से पलट लूँगी और यहाँ से जाते हुए ये वाले दो फंदे अब हमने इसमें शामिल कर लेने हैं तो देखें उल्टी रो पूरी उल्टी बनानी है हमने रेगलॉन वाले फंदे जो इंक्रीज किए हैं वो भी उल्टे ही बुनने हैं तो इस तरह से बुनते हुए मैं रो को कंप्लीट करती हूँ अब की बार हमने तीन ये तीन फंदों के साथ दो फंदे ये वाले भी बनाने हैं अब हमने अगले तीन आ, दो फंदे भी इसमें शामिल करने हैं ये वाले दो फंदे तो यहां पर जब हमने बुना था तो इस ये धागा हम यहां पर ऐसे हमने इसके आगे से गुजारा था ताकि फंदे में गैप ना रहे तो इसको पिछली बार तो हमने जो पिछला फंदा यहाँ पे बुना था उसका हमने आगे से उठा के इस तरह से बुना था इसका हम ये यह यहाँ से पीछे से उठाएंगे इसको ऐसे नीडल पे डालेंगे और इन दोनों को ऐसे इकट्ठा बुन देंगे तो ये हमारा एक फंदा हो गया ये दूसरा फंदा ये हमारा इंक्रीज किया हुआ फंदा है इसको हम बुन लेंगे और इस फंदे को ये जो हमारा रेगलान वाला फंदा है ये वाला धागा पीछे ले जाएंगे और गैप ना आए इसको आगे लेकर आएंगे और ऐसे वापस उसी रीडर पे स्लिप कर देंगे आप देखिए अगला फंदा स्लिप कर लेंगे और रैगलान के फंदे तक अब हमने पूरे पांच फंदे यहाँ पर बुन लिए हैं ये देखें अब हम यहीं से वापस पलट के इस तरफ जाएंगे यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज करेंगे यहाँ इंक्रीज करेंगे दोनों साइड पे इंक्रीज़ करेंगे और बुनते हुए यहाँ पे आएंगे और उसके बाद अब की बार हम हमने ये दो फंदे ऐड कर लिए अब की बार हम पूरे जो फंदे हैं यहाँ पे बुनेंगे और यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज करके जो है बटन बैंड के फंदे हैं इनको भी हम साथ ही बुन लेंगे तो देखें ये मैंने बुन लिया यहाँ तक आप देखिए इस यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ किया एक फंदा सीधा बुना एक फंदा इंक्रीज़ किया बैक के फंदे बुन के यहाँ पर हम इंक्रीज़ करेंगे दोबारा अब देखिए ये हमारा रेगुलर इंक्रीज़ वाला पंदा है इसके दोनों तरफ हम फंदा पंदे इनक्रीज़ करेंगे एक इस साइड पे करेंगे इसको सीधा बुन लेंगे फिर से एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे अब हमने स्लीव के पा, 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 पांच पांच फंदे प्लस दो हम बुनेंगे इस रेगुलर इंक्रीज वाले पंदे तक हम तमाम फंदे सीधे बुन लेंगे अब देखिए जो रेगुलर इंक्रीज़ वाला फंदा था उसके उससे हमने ये यार्न ओवर ऐसे किया था उसके आगे से पास किया था यार्न तो इसको और इस फंदे को हम इस बार को और इस फंदे को हम इकट्ठा बुन लेंगे और सॉरी यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे पहले ये यहाँ एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे और बार को और फंदे को इकट्ठा बुनेंगे ये देखिए ये इस तरह से बार थी ये जब हमने यहाँ से शॉट रो करके हम उधर गए थे तो ये बार थी इस बार को उठा के इस फंदे के साथ ऐसे मिला के बुन लेंगे और उसके बाद यहाँ पर फिर से एक फंदा ये वाला इंक्रीज करेंगे ऐसे और उसके बाद ये आठ फंदे जो बटन बैंड के हैं इनको सीधा बुन लेंगे लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे रॉन्ग साइड की रो है पहला फंदा स्लिप करेंगे बटन बैंड के फंदे सीधे बुनेंगे दो चार छ सात और एक छ आठ मुझे याद रहे कि बटन बैंड के फंदे कहाँ से शुरू हो रहे हैं तो मैं यहाँ पर एक स्टिच मारकर ऐसे लगा लूँगी अब देखिए ये हमारे अब कार्डिगन के फंदे हैं जो फ्रंट और बैक के बढ़ रहे हैं वो हैं इनको अब मैं उल्टा बुनूँगी। तो बटन बैंड के फंदों तक मैं इन तमाम फंदों को उल्टा बनूँगी अब देखिए ये वो फंदा है जिसके आगे से हमने गैप ना बने और हमने ये बार सी गुजारी थी आ, अपनी यान गुजारी थी इसको हम ये बैक बैक साइड की इसकी ये जो बार है इसको उठाएंगे इसके ऊपर रखेंगे और इस बार को और इस फंदे को इकट्ठा बुन लेंगे ऐसे उसके बाद एक और फंदा है हमारा हम इसको उल्टा बुनेंगे धागा पीछे ले जाएंगे और बटन बैंड के फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार पच सात और आठवां फंदा उल्टा बनेंगे किनारे का तो देखिए व्यूअर्स हमारा ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा अब हमारा कार्डिगन कुछ इस शेप में आ गया है ये देखिए और अगर हम इसको ऐसे करें तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा यू अब देखिए हमने यहाँ से जो पहला फंदा है वी नेक के साथ यहाँ पर इंक्रीज करना है तो यहाँ पर भी मैं जो है यहाँ पर दो चार छ आठ यहाँ पर एक स्टिच मार्कर लगा लूँगी ताकि हमें याद रहे कि हमारे बटन बैंड के फंदे कौन से हैं अब देखिए अब हमने नेक के नेक के लिए भी फंदा इंक्रीज करना है वी नेक के लिए भी तो किस तरह से हम करेंगे देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात सात फंदे बुन लिए हमने लेकिन ये सातवां फंदा हम नीचे नहीं गिराएंगे इसको आगे और पीछे दोनों तरफ से बुनेंगे हम इस तरह से दो चार छः आठ फंदे ये और एक फंदा यहाँ पर हमारा इंक्रीज हो गया है वी नेक के लिए अब देखिए दो चार छः आठ आठ फंदे हमारे बटन बैंड के हैं और उसके साथ एक फंदा जो हमने फ्रंट और बैक से बनाते बुनते हुए एक फंदा इंक्रीज़ कर लिया है अब देखिए ये हमारा रेगुलर इनक्रीज़ का फंदा है इसके दोनों साइड पे हम इंक्रीज करेंगे और इसके हम अगले रैगलाइन तक इसको सीधा बुन लेंगे स्लीव के फंदों को अब इंक्रीज करेंगे हम इस फंदे के दोनों साइड पे यहाँ पर स्लीव के बाद बैक और स्लीव के दूसरी साइड तो ये बैक के फंदे हैं इनको भी सीधा बुन लेंगे देखिए मैंने ये आ, अगले रैगलाम तक बैग के फंदे पूरे सीधे बुन लिए हैं यहाँ पर इस फंदे के दोनों साइड पे मैं फंदा इंक्रीज़ करूँगी और स्लीव के फंदे भी सीधे बुन लेंगे तो देखिए व्यूअर्स मैंने स्लीव के फंदे बुन लिए हैं और ये रेगुलर इंक्रीज़ वाला फंदा है जिसके दोनों साइड पे हमने फंदा इंक्रीज़ करना है एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे इस रेगुलर वाले फंदे को सीधा बुनेंगे एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे और ये फंदा जो पिछली बार इंक्रीज किया था इसको भी सीधा बुनेंगे मार्कर को स्लिप करेंगे और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर नेक बैंड के साथ वी नेक के लिए फंदा इंक्रीज़ किया था आगे और पीछे से बुनते हुए फ्रंट और बैक से बुनते हुए उसी तरह हम फ्रंट और बैक से बुनते हुए एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे नेक बैंड के साथ और यहाँ पर एक अपना स्टिच मार्कर लगा लेंगे बटन बैंड के फंदों के लिए और बाकी के फंदे सीधे बुनेंगे और लास्ट वाला किनारे का फंदा उल्टा बुनेंगे तो देखिए यहां पर एक एक फंदा इंक्रीज हो गया है वीनेक के लिए एक फंदा इस साइड पे इंक्रीज किया है मैंने और एक फंदा इस साइड पे इंक्रीज किया है अब देखिए रॉन्ग साइड की रॉ है और पहला फंदा स्लिप करेंगे नेक बैंड के फंदों को सीधा बुन लेंगे धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे मार्कर को स्लिप कर लेंगे और बटन बैंड के आठ फंदों तक मैं इस तमाम फंदों को उल्टा बुनूँगी तो देखिए व्यूअर्स स्टिच मार्कर तक मैंने तमाम रो को उल्टा बुन लिया है और ये बटन बैंड के आठ फंदे हैं इनको मैं सीधा बुनूंगी धागा पीछे ले जाएंगे, मार्कर को स्लिप करेंगे और आठ फंदे सीधे बुन देंगे किनारे का लास्ट वाला किनारे का फंदा हम उल्टा बुनेंगे अब देखिए फिर से हमारी राइट right साइड की रॉ है और इस रॉ में पिछली रॉ में हमने यहाँ बटन बैंड के साथ जो है एक फंदा इंक्रीज़ किया था इस रॉ में हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे यानी एक राइट right साइड की रॉ में हम इंक्रीज़ करेंगे और दूसरी राइट right साइड की रॉ में हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे वी के लिए जो हम इंक्रीज कर रहे हैं वो नहीं करेंगे इस बार तो उस मार्कर को मैं स्लिप कर लूँगी और ये हमारा रेगुलर का फंदा है ये जो स्लीव की साइड के फंदे हैं यहाँ पर मैं एक फंदा इंक्रीज़ करूँगी इस तरह से एक फंदा दूसरी साइड पे भी इंक्रीज़ करेंगे लेकिन जो वी नेक के साथ हमने इंक्रीज़ किया था पिछली बार इस बार हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो स्लीव के तमाम फंदे मैं सीधे बुन लूँगी और फिर उसी तरह इंक्रीज़ करूँगी रेगलान के दोनों साइड पे एक एक फंदा रेगलान इंक्रीज़ करूँगी ये देखिए हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ पे इंक्रीज़ करना है खुद बहुत ही बैक साइड के फंदे हैं तमाम फंदे अगले रेगुलर इंक्रीज़ तक स्टिच मार्कर तक मैं सीधे बुन लूँगी तो बैक साइड के फंदे मैंने पूरे सीधे बुन लिए हैं यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे ये हमारा मार्कर वाला फंदा है जिसके दोनों साइड पे हम फंदा इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इस साइड पे भी मैं फंदा इंक्रीज़ कर दूंगी स्लीव के फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे और ये देखिए ये हमारा इंक्रीज़ वाला फंदा है दोनों साइड पे एक एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे बढ़ा लेंगे और उस साइड पे भी हमने वीनेक के लिए इस रॉ में फंदा इंक्रीज़ नहीं किया पिछली राइट साइड की रॉ में इंक्रीज़ किया था इस रॉ में इंक्रीज़ नहीं किया इस साइड पे भी हम इस रॉ में इंक्रीज नहीं करेंगे और बटन बैंड के फंदों को सीधा बुन लेंगे फिर से देखिए हमारी रॉन्ग साइड की रॉ है बटन बैंड के फंदे सीधे बुनेंगे और बाकी तमाम रॉ को उल्टा और दूसरी साइड से भी बटन बैंड के फंदे सीधे बुनेंगे अब देखिए मार्कर तक हमने तमाम फंदों को उल्टा बुन लिया है अब इन बटन बैंड के फंदों को सीधा बुन देंगे ये देखिए व्यूअर्स ये हमारा कुछ इस तरह से वीनेक कार्डिगन बनना शुरू हो गया है तो देखिए व्यूअर्स फिर से हमारी जो है ये राइट साइड की रॉ है और यहाँ फिर से हम वी नेक के लिए बटन बैंड के साथ यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे फ्रंट और बैक से बुनते हुए तो यहाँ पर एक रो में हमने फंदा इंक्रीज़ नहीं किया और एक राइट साइड की रॉ में इंक्रीज किया था एक में नहीं किया और एक में अब फिर से हम करेंगे एक रॉ में नहीं किया था और अब एक रॉ में हम फिर से फंदा इंक्रीज करेंगे तो देखिए बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले यहाँ पर बटन बैंड के फंदों के साथ फंदा इंक्रीज़ किया था फ़्रंट और बैक से बुनते हुए बिल्कुल उसी तरह से बुनेंगे मैं पीछे कर देती हूँ तो देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे और बटन बैंड के फंदे छः फंदे सीधे बुनेंगे यानी एक फंदा स्लिप कर लिया और छः फंदे यानी टोटल सात फंदे बुन लेंगे और ये जो लास्ट वाला फंदा है बटन बैंड का आठवां फंदा इसको हम फ्रंट और बैक दोनों तरफ से बुनेंगे इस तरह से इसी तरह से फिर हमारा वीनेक यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा यहाँ पर मैं इसको ऐसे स्टिच मार कर वापस लगा देती हूँ यहाँ लगा देती हूँ अब देखिए ये हमारे फ्रंट के फंदे हैं इनको हम बुन लेंगे यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे ये हमारा रेगुलान वाला जो इंक्रीज है वो है इसको सीधा बुन लेंगे और इसके दूसरी साइड पे भी एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे स्लीव के फंदे हैं इसको सीधा बुन लेंगे ये हमारा रेड इंक्रीज वाला फंदा है इसके दोनों साइड पे इंक्रीज करेंगे को सीधा बुनेंगे और दूसरी साइड भी इंक्रीज कर लेंगे बैग के फंदों को सीधा बुनेंगे अगले रेगलान के फंदे तक तो देखिए व्यूअर्स मैंने बैग के फंदों को भी सीधा बुन लिया है और ये हमारा रेगलान वाला फंदा है इसके दोनों साइड पे हमने इंक्रीज करना है इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी स्लीव के फंदे हैं इनको भी सीधा बुन लेंगे और इसके ये हमारा रेगुलर वाला फंदा है इसके दोनों साइड पे इंक्रीज़ करेंगे ऐसे ये फ्रंट के फंदे हैं इनको हम ऐसे सीधा बुन लेंगे और मार्कर को स्लिप करेंगे और ये जो हमारे बटन बैंड के फंदे हैं इसके साथ हम वी नेक के लिए एक फंदा इंक्रीज करेंगे पिछली रॉ में हमने नहीं किया था लेकिन इस रॉ में हम करेंगे यानी एक राइट साइड की रॉ में हम करेंगे और एक साइड राइट साइड की रॉ में इंक्रीज नहीं करेंगे बटन बैंड के फंदे सीधे बुन लेंगे रॉन्ग साइड की रो में उसी तरह से बनाऊंगी जिस तरह से मैं बना रही हूँ बटन बैंड के फंदे सीधे पूरी रॉ उल्टी और बटन बैंड के फंदे दोबारा सीधे तो देखिए मेरस मेरा वी नेक कार्डिगन जो है ये बनकर आम होल तक बनकर तैयार हो गया है आपको ये बहुत सारे स्टिच मार्कर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे तो मैं इसकी आपको डिटेल बाद में बताती हूँ देखिए जब हमने शॉर्ट रोज़ कंप्लीट की थी उसके बाद यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ है रेगलाइन वो मैंने सिक्सटीन बार किया है और नेक की साइड पर जो इंक्रीज हुआ है वो आठ बार हुआ है तो ये देखिए मैंने स्टिच मार्कर इसीलिए लगाए थे कि आपको बता सकूँ ये कितनी बार हुआ है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ बार ये इंक्रीज हुआ है तो अगर आप और करें थोड़ा सा तो आप, आपको ये पता चलेगा कि एक रो में राइट साइड की रो में ये इंक्रीज हुआ है और एक राइट साइड की रो में इंक्रीज़ नहीं हुआ यानी एक रिज में ये इंक्रीज हुआ है दूसरी रिज में नहीं हुआ एक रिज में हुआ है दूसरी में नहीं हुआ तो इसी तरह अल्टरनेट रोज में ये इंक्रीज हुआ है और देखिए हमारा कितना परफेक्ट जो है वी बनकर तैयार हुआ है अब इसी इसी काउंट में इसी तरीके से बनाते हुए आप इसको बड़े साइज में बना सकते हैं और छोटे साइज में बना सकते हैं छोटे साइज में बनाना हो तो आप 14 इंक्रीज तक ही कंप्लीट करके एक साल के बच्चे के लिए बनाना है तो आप सिर्फ 14 इंक्रीज़ कीजिए और उसके बाद जो है इसको डिवाइड कर लीजिए आर्म्स को और फ्रंट और बैक को बड़े साइज में बनाना है तो आप चार बार और इंक्रीज कर लीजिए तो आपका ये बन जाएगा